कुछ माह पूर्व मैंने अपने क्षेत्र जगदीशपुर के सरकारी मध्य विद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक वीडियो शूट किया था, जहां शिक्षकों द्वारा बच्चों से संबंधित प्रत्येक कार्य के लिए उनसे रिश्वत वसूले जाने की दास्तान दर्ज थी। आपको दिखाते कुछ ऐसे ही भ्रष्टाचार का शिकार बना हुआ झारखंड राज्य के देवघर जिला अंतर्गत मधुपुर प्रखंड के सरकारी मध्य विद्यालय जगदीशपुर। एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम फीस मांगते हैं, चौक का पैसा मांगते हैं, प्रत्येक महीना चौक का पैसा देते हैं 1 रुपया। रिजल्ट जब निकलता है तो रिजल्ट मांगते हैं, तो प्रत्येक बच्चे पर 1 प्लेट मांगते हैं। परीक्षा फीस के नाम पर पैसा लेता है श्री मंटू मरांडी, हमेशा शराब पी के क्लास में आते हैं। अगर आप लोग सर को पैसा नहीं देते तो वो लोग आपके साथ क्या करते हैं? सबके सामने खड़ा करता है, जिसकी वजह से हम लोग को बुरा लगता है और मजबूर में पैसा हम लोग को देना पड़ता है। आपका वीडियो जो बनाए आपने, उसी से हम लोग जाने कि हमारे स्कूल में कितना घोटाला हो रहा है, और आगे आप इसी तरह काम करते रहिए, आपके काम से यहाँ का ग्रामीण बहुत खुश है। मैंने उक्त वीडियो को संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को मोबाइल के माध्यम से दिखाते हुए आला अधिकारी को दिखाने के लिए एक CD व नेट पे डाला गया आर्टिकल का प्रिंट आउट समर्पित किया एवं उक्त शिक्षकों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया। जिनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है वो पूर्व प्रधानाध्यापक थे, तो जिला कार्यालय से उनका 3 वार्षिक अवधि काटने का प्रस्ताव भेजने के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा कहा गया है। जब से मुकेश इस काम से लगा है, अब जो है पैसा देना बंद कर दिया है, आइंदा इससे थोड़ा लाभ हुआ है, बच्चों को बहुत खुशी हुआ और उसका गार्जियन को भी बहुत खुशी हुआ। मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप लोग के लिए क्या मायने रखा? हम लोग को इस बार एग्जाम में बैठने के लिए पैसा नहीं देना पड़ा, और सिर्फ हमको ही नहीं बल्कि हम लोग का क्लास का सभी बच्चा और स्कूल का सारा बच्चा, कल लगभग 500-600 बच्चा को पैसा नहीं देना पड़ा, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे समाज में पग पग पर भ्रष्टाचार का दलदल है, पर ऐसा नहीं कि इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने किया, मैंने उस विद्यालय के तमाम भ्रष्टाचार के सबूतों और जानकारियों को डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से इकट्ठा किया और उस भ्रष्टाचार को मिटाने में कामयाब हो सका। हमारे इस कार्य से करीब 500-700 बच्चे लाभान्वित हुए, और मुझे यह देखकर खुशी है कि हमारा जो लक्ष्य था वो कामयाब हो सका। मैं मुकेश रजक, झारखंड के देवघर जिला का, इंडिया अनहर्ड से।